नमस्कार सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। चैनल ऑफ विश्री पलवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। हैप्पी रामनवमी टू एवरीवन। भगवान राम की कृपा आप पे, आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। आप सब मस्त स्वस्थ और खुश रहें। सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों इस रामनवमी से। जो भी अपने लाइफ में आप चाहते हैं आपको भरपूर वो भगवान राम दें, मैं यही कामना करूंगी आप सबके लिए। सो आज हम इस सेशन में देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है, क्या इरादे हैं उनके और क्या चाहते हैं वो इंसान, हम ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको, सब कुछ आपके साथ मैच करे जरूरी नहीं है। जो चीजें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करे ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। सो तीन चार वीडियोज में मेरे माइक के साउंड नहीं थे, पता नहीं क्यों, और बार बार ये हो रहा है। माइक जब चेक कर रही हूँ तब ठीक रहता है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे उसका उसकी वॉइस चल जाती है। आई डोंट नो, लूज कनेक्शन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पता नहीं। मैं माइक ऑर्डर की हूँ, ठीक है, थोड़े दिन में आई थी। अगर इसमें नहीं ठीक हुआ तो फिर जाके मैं लेके आऊँगी मार्केट से, मैंने ऑर्डर किया है। सो मैनेज करें अगर इस रीडिंग में भी प्रॉब्लम होगी तो। फ्रेंड प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या है डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स टॉकिंग एट दिस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है सो वॉइस थोड़ी सी लो आ रही होगी शायद, हाँ मैनेज कीजिएगा प्लीज। टाइम प्लीज गाइड नो टाइम प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस डिवाइन। Trust, find balance, giving and receiving, wow, intention mein, seek the truth, dedicated efforts, जो कि obstacle में दिख रहा है इनको, and manifest की energy यहाँ पे, magician की energy पे stand कर रहे हैं इंसान, और nurture वाली की energy इनकी है। So आपके partner में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि feminine energy इनमें develop हो रही है, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट हुई है, अभी आप लोग मस्कुलाइन एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर्स जो हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत कार्ड्स सिर्फ हो गए। सो नो मैटर कि आप लोग किस जर्नी में हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जी तो सबने होती है। सो ये एनर्जी शिफ्ट हुई है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इस बार जोडियक में भी सारी रीडिंग्स ऐसी ही थी कि जो आपके पार्टनर हैं वो आना चाहते हैं और आप लोग भाग रहे हैं, अब आप लोगों को नहीं चाहिए रिश्ता, ऐसा हो गया, ठीक है। सो एनर्जी शिफ्ट हुई है मुझे ये लग रहा है इस टाइम पे, जब ये इंसान नर्चर करना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको, तो आप लोग अब भागना चाहते हो, अब आप लोगों को नहीं चाहिए। अब आप मस्कुलाइन एनर्जी में है और आपके पार्टनर फेमिनाइन एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी हमेशा ही चेंज होती है, कोई एक एनर्जी एक इंसान में नहीं होती है, एनर्जी चेंज होती है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपकी एनर्जी बैलेंस होती जाएगी, ठीक है। so, मेरा है ना विजडम टीथ भी मेरा आ रहा है, ठीक है, उसके लिए मुझे पेन है थोड़ा सा मुंह में, तो इसलिए मैं आस्ते आस्ते बात कर रही हूँ। मेरी वॉइस थोड़ी सी लो हो सकती है, गला भी खराब है मेरा, तो आप लोग थोड़ा सा साउंड बढ़ा के देखें आज, मैनेज करें प्लीज। ट्रस्ट की एनर्जी प्लीज गाइड, ट्रस्ट क्यू मे डिवाइन। एक यहाँ एक फूल की एनर्जी, मतलब न्यू स्टार्ट की एनर्जी है इनको, एक रिकॉन्सिलिएशन, एक न्यू स्टार्ट चाहिए आपके साथ ओवरऑल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में कुछ एक स्टार्ट करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। नाउ टाइम प्लीज माय गुडनेस गॉड, देखिए ये आप इनके लिए विश कम ट्रू है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं इंसान आपके टूवर्ड्स, हाईली अट्रैक्टेड यहाँ से इंसान, एक चेंज चाहते हैं, अभी सेपरेशन चल रहा है इसमें एक चेंज चाहते हैं और एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन ये जो स्टार्ट है ना, कि फिर मैं यही बोलूंगी कि ये स्टार्ट ऐसा स्टार्ट है जहाँ ये फिर से ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता ही है, ठीक है, मतलब आएंगे और जाएंगे, एक
पैशनेट एनर्जी है, जरूर है, लेकिन फायरी एनर्जी कैसी होती है, फायर कैसा होता है, आग बहुत जल्दी लगता है, बहुत जल्दी बुझता है ना। सो एक बहुत एकदम जब भड़केंगे तो एकदम तेज, यू नो, जब फीलिंग्स आएगी तो एकदम तेज, ऐसी फीलिंग्स की लगेगा कि पूरी दुनिया की फीलिंग्स इनके अंदर ही है, मतलब इतना प्यार, इतना पैशन, ऐसी एनर्जी, लेकिन वो एकदम झटके से उतर जाएगी, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहां पे स्टेबल एनर्जीज नहीं है, ये फायरी एनर्जी जरूर है, पैशनेट जरूर है भी आपके लिए बहुत ज्यादा, और एक एक एक्शन आपके टूवर्ड्स जरूर लेना चाहते हैं इंसान, बहुत पैशनेटली, बहुत हाईली अट्रैक्टेड भी आपसे ये इंसान, और यू नो वेट कर रहे हैं कि कैसे होगा, कब होगा, आप एक्शन लोगे या फिर इनको लेना होगा। सो ट्रस्ट की एनर्जी एक फूल की एनर्जी है, हा? फूल की एनर्जी देखते हैं ना हम, जब वो जंप करता है ऊपर से, है ना, वो उसको इतना ट्रस्ट है कि डिवाइन उसको बचा लेंगे, या फिर आप अगर एक्शन ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स तो आप सब कुछ ठीक कर दोगे, सो एक ट्रस्ट है, यू नो, एक इमेच्योर बचपना, सब कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेना, वैसी की एनर्जी जहां पे इंसान बिना सोचे समझे ही आपके पास आ जाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सोचना नहीं चाहते हैं कि आप क्या करोगे, आपका आप रिएक्शन क्या होगा जब इनका एक्शन होगा, तो ये सब कुछ बिना सोचे समझे ही इंसान चाहते हैं कि एक एक्शन ले लिया जाए, ठीक है। ओवरऑल इनकी सिचुएशन, ओवरऑल जो थिंकिंग थॉट्स हैं ये ऐसे चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप इनके विश कम ट्रू, मतलब आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ये इंसान की इच्छा है कि आपसे मिले, आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट हुए, आपके साथ जिंदगी बिताए, ऐसी कुछ इच्छा इनकी है, एक स्टेबिलिटी आए, ऐसी कुछ इच्छा इनकी है जो कि ये पूरी करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, अपने माइंड और सोल के बीच, या फिर दो कुछ सिचुएशन हो सकती है, दो इंसान हो सकते हैं, ठीक है। फाइंड बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे है, फाइंड बैलेंस मतलब इक्वल गिव एंड टेक, चलिए इक्वल गिव एंड टेक, यू नो ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा इनको, इनको चाहिए कि आप भी इनके लिए ऑब्सेस्ड हो, जैसे पहले आप ऑब्सेस्ड थे, जैसे आप भी इनके लिए ऑब्सेस्ड हो, ये चाहते हैं, ठीक है। अब अगर आप ऑब्सेशन नहीं दिखा रहे हो तो भी इंसान चाहते हैं कि आप ऑब्सेशन दिखाएं, इनके लिए आप कंफ्यूज ना हो, ये चाहते हैं, ठीक है। सो एक एडिक्शन है आपके लिए इनको, एक पाने की जिद है, आप समझिए एक चीज, एक इंसान बहुत समय हमारे पीछे भागता है, दौड़ता है, और यू नो हमें पता होता है कि ये इंसान हमारे पीछे आ रहा है, पता होता है, जब वो नहीं आता है तो हमें बेचैनी होती है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया उसको, कहाँ रुक गया वो, है ना, कहीं और तो नहीं घूम गया, किसी और डायरेक्शन में दौड़ नहीं है उसकी, है ना। सो ये इंसान ऐसे सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं, अब जिद क्या है इनकी, आपको पाना है वापस से, ठीक है। तो पाना है तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, ऐसे तो नहीं पा सकेंगे ना, मतलब पाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, कैसे पाएंगे, क्योंकि आप तो जा नहीं रहे हो, अगर जब तक आप जा रहे थे तब तक आप उनके ही थे, उनको पता है कि आप उनके ही हो, आप कहीं जाने वाले नहीं हो, लेकिन अब आप कहीं अब नहीं जा रहे उनके पास, तो अब पाने के लिए उनको एफर्ट्स लेने होंगे, है ना, अगर उनको पाना है तो उनको एफर्ट्स लेने होंगे, जिसके लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, गट्स चाहिए। सो ये इंसान फीलिंग्स में इनकी ऐसी है कि इनको गट्स, इनको इनको है एक गट्स अभी कि ये ले सकते हैं एक्शन, ठीक है। और मैजिशियन की एनर्जी जब होती है ना, तो एक इंसान ऐसे वाइब्रेशन में होता है जब वो जो भी वो अपने लाइफ में चाहता है वो कर सकता है, वो ठीक है, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे प्लान्स हैं, सारे टेक्निक्स हैं, जिससे कि वो जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन ये इंसान फिर भी फंसे हुए लग रहे हैं, या तो दो सिचुएशन है, या तो दो ऑप्शन है, या इनके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, जिसके चलते ये इंसान सही से परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे, मतलब डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, ठीक है। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको हिम्मत है, इनको पता है कि इनको लेना है एक्शन, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एक इक्वल गिव एंड टेक के लिए, एक सोलमेट वाला लव के लिए ये इंसान चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ऑब्सेशन वाली फीलिंग्स है, ऑब्सेस्ड है, एक जिद है पाने की आपको इनको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सोलमेट वाला प्यार है, हालांकि ये जो प्यार ना ये सोलमेट वाला प्यार नहीं है, ठीक है, ये एक कार्मिक वाला प्यार है। डेविल की एनर्जी ऐसी है जब एक या तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच, या तो फिर ये इंसान आपको पाने की जिद में है। पाने की जिद में इंसान क्या करता है, इनको पाने की जिद, लेकिन आपकी जिद क्या है इनको नहीं पता है, आप क्या चाहते हो वो इनको नहीं पता है, लेकिन इनको पाने की जिद है, इसलिए इंसान हग जताएंगे आप में, आपको तंग करेंगे, इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे आपको, है ना, पोक करेंगे आपको ताकि आपको रिएक्शन दो, सो ऐसा कुछ ये करेंगे जिससे कि आपके आपका रिएक्शन निकले, आप क्या चाहते हो ये बाहर निकले आपका, ठीक है, जो भी आप नहीं बोल रहे हो। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पे फीलिंग्स में डेविल है, इसका मतलब ये है कि ऑब्सेशन ज्यादा है, एक्शन में होता तो थोड़ा डेंजर होता है, बट फीलिंग्स है तो यू नो ओवर ऑब्सेशन, गुस्सा भी आ रहा है रह रहे के कि आप नहीं आ रहे हो, चीजें ठीक नहीं हो रही है, और एक ऑब्सेशन एडिक्शन भी लग रहा है, होता ना तलब, मिलने की तलब, बात करने की तलब, वो ऐसी एनर्जी है आज की इनकी, ठीक है। सो यस, ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक इम्पेशेंट एक्शन आपके टूवर्ड्स देना जरूर चाहते हैं इंसान, ठीक है। इंटेंशन में इनके गिव एंड टेक वाला
गिव एंड टेक है, ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे गिव एंड टेक वाली एक एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान इक्वली अब गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, जितना प्यार उनको आप करते थे उतना ही प्यार वो आपको करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं अपना प्यार आपके लिए। जो भी है चीजें जो आप इनको दे रहे थे पास्ट में, वो सारी चीजें ये आपको वापस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एक होप जरूर है इनको, ठीक है, होप जरूर है इनको, और ये एक पॉजिटिविटी चाहते हैं। मतलब जो भी रिश्ता आपका खराब हुआ है आज तक, जैसे भी रिश्ता, जहां भी सिचुएशन, जहां भी आप लोग स्टैंड कर रहे हैं, ये उस सिचुएशन में एक हीलिंग चाहते हैं। हीलिंग कैसे होगा? हीलिंग प्यार से, केयर से, कंपैशन से, जो भी चीजें, जो घाव थी उनको ये भरना चाहते हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो भी चीजें आप लोगों के बीच में थी, उसको ये इंसान हील करना चाहते हैं, उसको ये इंसान भरना चाहते हैं, वो घाव को भरना चाहते हैं। ठीक है, अपने प्यार से, केयर से, कंपैशन से, ऐसी एनर्जी है। आपको ये इंसान खोना नहीं चाहते हैं। इनके इंटेंशन में ऐसा है ना कि आपके लिए ऑब्सेस्ड बहुत है ये इंसान अभी, और आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो ट्रू इंटेंशन इनकी यही है आज, क्योंकि ये इंसान कुछ भी हो जाए आपको खोना नहीं चाहते हैं। भले आप किसी और के साथ अभी हैं, भले आप मूव ऑन कर रहे हैं इनसे, भले ये इन्होंने आपको धोखा दिया हो, भले कुछ भी हुआ हो पास्ट में, लेकिन खोना नहीं चाहते इंसान आपको। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो इनको ऐसा लग रहा है, या फिर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो भी रहे हैं अभी तो भी इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सीक द ट्रूथ की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है अब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि यू नो आपको सब कुछ पता है इस रिश्ते के बारे में, कनेक्शन के बारे में, आप दोनों दूसरे के ऑब्सेस्ड हैं, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खत्म कर रहे हो, या फिर आप स्टार्ट करना नहीं चाहते, रीस्टार्ट नहीं चाहते हैं, आप साइलेंट हैं, अब आप इस रिश्ते का और भार उठाना नहीं चाहते हैं, या फिर आप इनको कोई प्रपोजल नहीं दे रहे हो, आप खत्म कर रहे हो रिश्ते को। आपको पता है कि सच्चाई क्या है ना। सो बहुत लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं, बहुत लोग सोलमेट दिख रहे हैं, और ये आपके पार्टनर को और आपको दोनों को पता है। मैंने इसके बारे में आपने डिस्कस किया अपने पार्टनर से, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपको पता है कि आप लोगों की जर्नी है, आप दोनों यू नो एक ही सोल के अंश हैं, या फिर एक ही सोल हैं, या फिर यू नो सोलमेट है, या फिर हायर कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ स्ट्रांग इंटेंसिटी, स्ट्रांग एक बॉन्ड आप लोगों का है। इनको लगता है कि आपको पता है ये चीज, फिर भी आप जो है इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, आप फिर भी ये सच्चाई देखते हुए भी आप मुंह घुमा रहे हो इस सच्चाई से। ठीक है, सो आपको पता है इस सब के बारे में, फिर भी आप जो है इस रिश्ते को क्लोजर दे रहे हो, आप अब इस रिश्ते का बोझ उठाने के लिए रेडी नहीं हो, और आप कोई प्रपोजल इससे आप नहीं दे रहे, क्योंकि अब आपको यू नो आपको क्लोजर देना है इस रिश्ते को, आपको आगे बढ़ना अपने लाइफ में, आपको और इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, और एग्जॉस्ट आप इस रिश्ते में नहीं होना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आप साइलेंट हो गए होंगे, आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान दे रहे होंगे, आप साइलेंट हो गए हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आप इनको दे रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ग्रो करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सच्चाई जानने के बावजूद भी आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब सच्चाई को देख नहीं रहे आप, यह तो आपको पता है, फिर भी आप मुंह मोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ डेडिकेटेड एफर्ट की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। लेट्स सी क्या है ये, एंड प्लीज गाइड। तो क्या बोलूं मैं और बताइए। देखिए, इनको ये बहुत अच्छे से पता है ना कि जो एफर्ट्स आपके थे बहुत डेडिकेटेड थे इस रिश्ते में, आपने बहुत डेडिकेशन के साथ ये रिश्ता निभाया है, आपने बहुत ज्यादा अपना 100% या 200% दिया हुआ इस रिश्ते में, सब कुछ आपने किया जो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए करना होता है, और जो एक अच्छा पार्टनर होता है वो सारे एफर्ट्स देता है, वो सारे एफर्ट्स आपने लिए, मैंने बोला 200% आपने एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है ना कि इनको अभी क्लियरिटी मिल गई है कि आपके एफर्ट्स बहुत सही थे, आपने बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाया अपने रिश्ते में, आपने बहुत कुछ झोंका है। ठीक है, फाइनेंशियली भी आपने बहुत हेल्प की अपने पार्टनर को, मेंटली भी आप पूरा एग्जॉस्ट हो गए, इमोशनली भी आप ड्रेन्ड हो गए, फिजिकली भी आप बहुत डाउन हो गए, सब कुछ आपने किया इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी इस इंसान के एफर्ट्स नहीं रहे जिसके चलते रिश्ता खराब हुआ, और अब इनको एक गिल्ट है उसका, उस बात का, कि जब इनको मौका मिला था आपके साथ एफर्ट्स लगाने का, जब आप एफर्ट्स लगा रहे थे, बहुत लोगों ने, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेपरेशन के बाद भी कुछ मेरे व्यूवर्स बहुत ज्यादा कोशिश की अपने पार्टनर से बात करने की, उनको समझाने की, लेकिन ये इंसान आपको उस टाइम इग्नोर ही कर रहे थे, और अभी उस चीज का उनको बहुत गिल्ट है। ठीक है, समझ रहे ना, मतलब सेपरेशन खत्म हो गया, मतलब सेपरेशन हो गया, लंबा हो गया सेपरेशन, 3 महीने 6 महीने हो गए, उसके बाद भी आप एफर्ट्स दिए थे, लेकिन उस टाइम भी इंसान जो है ईगो में ही थे, और अभी इस चीज का उनको मतलब गिल्ट हो रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स लिए, आपने अपने हद से ज्यादा अपने एफर्ट्स लिए।
ठीक है, लिमिट्स एकदम अनलिमिटेड एफर्ट्स आपने लिए हैं, बियॉन्ड लिमिटेशन आपने एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम ये इंसान ईगो में थे, आपको नहीं समझा इन्होंने और इस बात का इनको गिल्ट है। ये क्लैरिटी इनको मिल गई है, ठीक है, कि इनके एफर्ट्स नहीं थे, आपके जो डेडिकेशन से एफर्ट्स थे उसको देख के भी ये इंसान एफर्ट्स नहीं लगा पाए, उसको देख के भी इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, और इनके इक्वल गिव एंड टेक नहीं करने की वजह से ही ये रिश्ता इम्बैलेंस्ड हुआ है। इम्बैलेंस होने के कारण ही खत्म हुई है सारी चीजें, कि इनको पता है और इसका गिल्ट इनको है, ठीक है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कब तक इंसान गिल्ट में रहेंगे, कब तक इंसान यही सोचते रहेंगे कि आपके बहुत एफर्ट्स थे, इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको एफर्ट्स लगाना चाहिए, ये लगाएंगे एफर्ट्स, इनको मौका मिलेगा तो ये एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है, वो गाना है ना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सर, वही एनर्जी, ठीक है। मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ पे है, मैजिशियन की एनर्जी में इंसान स्टैंड कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ इनके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे आइडियाज हैं, सारे टेक्निक्स हैं, अगर ये इंसान चाहे तो ऐसे यूनियन करेंगे, लेकिन पता नहीं ये कहाँ स्टक होते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये चाहेंगे तो अभी की अभी सेपरेशन खत्म हो जाएगा और आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसे ऐसे एनर्जी भी इंसान है जहां इनका माइंडसेट बहुत सही है कि इक्वल गिव एंड टेक करना है, एफर्ट्स लेने हैं, डेडिकेशन के साथ रिश्ता निभाना है, पैशनेट है ये इंसान, लेकिन पैशन जो है फायरी एनर्जी होती है, पैशन है ना, वो एकदम उठेगी और तुरंत से खत्म हो जाएगी। सो ये बहुत परमानेंटली स्टेबिलिटी वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी की एनर्जी उनकी ऐसी है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना है, ठीक है। मैनिफेस्ट की एनर्जी आपके यहाँ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। ये एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने के लिए मैं भी ओह माय गुडनेस क्या बोलो <आगे? laughs> ये जो है ना इंसान, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आपसे उनकी खुशी है, आपसे उनकी सुकून है, शांति है ना, उनकी जिंदगी की जो सुकून, उनकी जिंदगी का जो शांति है वो आप है, उनकी जिंदगी की जो इच्छा है, विश है, वो आप है, इसलिए इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। और चैरिट की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो सिर्फ आगे बढ़ने वाली एनर्जी होती है, बस अब आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया किसने क्या बोला, बस अब आगे बढ़ना है, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है यहाँ पे। और एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं, न्यू बिगनिंग ये इंसान खुद से एक्शन नहीं ले सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर ऐसी लैकिंग एनर्जी है जहां पे ये इंसान अपने गट्स पे एक्शन नहीं ले सकते हैं। सो ये एक एनर्जी ऐसी है जहां पे कि यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं कि आप दोनों का रिकंसिलेशन हो, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यूनिवर्स इनको या तो आपका कॉल मैसेज रिसीव करें, है ना, आप एक्शन ले लो, ऐसा कुछ ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं कि वो कुछ ऐसी चीजें हो जिससे कि आपका यूनियन हो जाए, ठीक है। सो नर्चरिंग की एनर्जी यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको आपके लिए सारे एफर्ट्स लेने के लिए रेडी है, एक किंग की तरह ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, ठीक है, लेकिन ये एक्शन टेकिंग एनर्जी नहीं है, मतलब एक्शन क्या कहते हैं, रिस्क टेकिंग एनर्जी नहीं है, ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे इंसान, कुछ ऐसा रिस्क आप बोलो उनको वो सब नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आपके लिए जिम्मेदारी जो भी है वो पूरी ये उठाएंगे, एक राजा की तरह, यू नो, सबको खुश रखना इनका काम है। वैसे एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये इंसान सब कुछ आपके सारे एफर्ट्स लेंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, बस रिस्क छोड़ के बाकी सब एक्शन लेंगे, ठीक है। सो ये इंसान अब नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नर्चर करने की एनर्जी जो है ना वो एक एम्प्रेस की एनर्जी होती है, जहां ये इंसान फेमिनाइन एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ भी एनर्जी वही है, माई गुडनेस, कमिंग टुगेदर की एनर्जी है और थ्रोट चक्र की एनर्जी है, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करके चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को। जैसे पहले आप नर्चर कर रहे थे इस रिश्ते को, जैसे पहले आप टाइम एफर्ट्स लगा रहे थे, वैसे अब ये इंसान नर्चर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये अभी एक फेमिनाइन एनर्जी में है, एक एम्प्रेस की एनर्जी में, जहां पे इनका मन होगा कि आपसे बात करें, जैसे आपका पहले मन होता था ना इनसे बात करें, कनेक्ट करें, प्यार करें, बहुत फीलिंग्स आपके मन में होती थी, वैसे एक एनर्जी इनके मन में अभी इनके साथ हो रही है, वही चीज अभी, ठीक है। और आप लोगों का कैसा हो रहा होगा, आप लोगों को भागने का मन कर रहा होगा, अब नहीं बात करना, अब बहुत हो गया, अब नहीं बात करना, भागो, ठीक है। तो अब आप भागोगे, अब ये इंसान आपके पीछे भागेंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो डायनामिक जो है रनिंग चेजिंग वाला, वो अभी चेंज हो गया, एनर्जी शिफ्ट हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट मैम प्लीज कराए सम मोर गाइडेंस।
मटन पीस, बैलेंस की एनर्जी है, फिर वही एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी। ये इंसान चाहते हैं ना कि जो भी डिसबैलेंस हो रहा आप दोनों के बीच, जो भी एनर्जीज इम्बैलेंस है, ईगो ज्यादा है किसी का, गुस्सा ज्यादा है किसी का, शक ज्यादा है किसी का, वो सारी चीजें बैलेंस हो, ठीक है, यही चाहते हैं। ड्रीम्स की एनर्जी है, ड्रीम्स में भी आप उनको बहुत दिख रहे होंगे, आपके आपका नाम, आपके यू नो पास की कुछ चीजें दिख रही होंगी, या फिर ड्रीम्स में इनको कुछ चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। लेक एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है, ये इंसान इंटेंशनली आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नर्चरिंग की एनर्जी, अगेन नर्चरिंग की एनर्जी है, तो ये इंसान चाहते हैं ना कि जैसे पहले आप नर्चर करते थे इस रिश्ते को वैसे फिर से आप नर्चर करें, और अब ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर नर्चर करेंगे इस रिश्ते को, और एक अच्छी एनर्जी में दोनों स्टैंड करेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। रीबर्थ की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है, बस यही एक दिक्कत यहाँ पे है कि रीबर्थ जो सोचते हैं वो एक्शन कुछ दिन तक ही होता है, फिर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से चेंज नहीं हो रहे, दिमाग चेंज कर रहे हैं, जब अंदर से चेंज होंगे तभी परमानेंट चेंजेस होगा, ठीक है। ट्रूथ की एनर्जी है यहाँ पे, और बैलेंस की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे है, ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे जो भी आपने किया इनको, आपके एफर्ट्स को ये इंसान अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो पहले अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपको क्लिंगी बोलते थे, या फिर आपको यू नो बहुत पॉजिटिव बोलते थे, अभी ये इंसान आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, और अब ये इंसान भी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे कनेक्ट करना है, कुछ क्लियरिटी आपसे लेनी है, आपको कुछ क्लियरिटी देनी है, कुछ स्पिरिचुअल बातें करनी है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है, लेट्स कुछ मैसेज चेक करते हैं कि आप बोलना चाहते हैं ये इंसान। प्लीज गाइड आज के लिए मैसेजेस क्या है डिवाइन। सो गाना सुन लीजिएगा, आप लोग कनेक्टेड हैं इस एडिटिंग से, मुझे पूरा गाना याद नहीं है, मुझे ऐसे भी लिरिक्स याद नहीं रहते हैं मुझे एक दो लाइन याद रहता है। तुम क्या मिले जाने जा प्यार जिंदगी से हो गया, आज के लाइन मुझे नहीं याद है, ब्यूटी में सुन लीजिएगा, ठीक है। बताएं प्लीज, जिस दिल साही का शुक्रिया शुक्रिया, ऐसा कुछ है, स्टार्टिंग के लाइन्स मुझे याद नहीं है। आई मेड मेनी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां की उनको, और अभी एक रियलाइजेशन है, अभी एक गिल्ट की एनर्जी में इंसान है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं इंसान अब सामने से। आई विल वेट फॉर यू, आपके लिए वेट करेंगे इंसान, आप जब भी आए तब तक ये वेट करते रहेंगे। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी, तो आप नहीं है इनके साथ, तो ये जितना हो सकता है उतना अकेले है, ऐसी एनर्जी है। प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके सिचुएशन को समझोगे। थैंक यू फॉर द रीजन आई स्माइल, इनके स्माइल के पीछे यू नो आप है रीजन, इनका कहना ये है। आई नो यू किस माई पिक्चर, इनको लगता है कि आप इनके पिक्चर पे किस करते हो, भले आप करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन इनको लगता है। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग्स दैट कम्स टू माई माइंड इज योर नेम, सो सुबह उठने के बाद और रात में सोने के पहले इनको जो नाम, इनको जो रिफ्लेक्ट होता है सबसे पहले वो आपका नाम है। सो ये इंसान सोच रहे हैं आपको दिन भर, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो यस, ये है आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से, मिली है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, बेस्ट रहें, खुश रहें, अपना बहुत ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।